जिंदगी में कोई होटल पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत नहीं की जितनी हमने की, और फुल वसूल। हाँ शाना, तो जो सोचा था वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया से उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। इट्स रेनिंग अ लॉट इन श्रीनगर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है। गुलमर्ग में बहुत तेज बर्फ हो रही है, आज धुआं निकल रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर कि हम अपनी बाइक लेके जा सकते कि नहीं, बिकॉज ऐसा हम लोग के मैनेजर ने बोला यहाँ के जीएम ने कि अगर आप बाइक लेके, प्रॉब्ली आप बाइक लेके चले जाओगे लेकिन शायद वापस आ नहीं पाओगे, बिकॉज अभी ये पूरा हफ्ता बर्फ गिरने वाली है। देखने आए थे वो देख रहे हैं, लेकिन जो करने आए थे वो कर नहीं पाएंगे। व्हाट एवर इट इज विल सी। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हमारा डीएनटी साइन यहाँ पर आ गया, यहाँ से उड़ के। अभी आप सोच सकते हो कि रात को कितनी तेज हवा चली रहेगी। अरे अरे, तो तेज बारिश है यार। You don't have umbrella, right? No. You need umbrella. Are you sure? Very bad idea of running in the rain. That to be the camera. It's just drizzling. ये तो मुंबई में कोई बड़ी बात नहीं। अरे नहीं भीगेंगे, नहीं भीगेंगे। इतने में तो मैंने कितनी बार ब्लॉक किया है। ये देखो ना, जो पहाड़ दिख रहे थे आज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। Look, all gone. आज यहाँ पर फुल है। तो थोड़ी सीटिंग बाहर भी होती है, लेकिन बिकॉज बारिश हो रही सब लोग अंदर आ गए। ऑफ कोर्स इसका प्लान था बाहर जाने का, कोई बाहर नहीं जा रहा, सब होटल में ही है। लेट्स सी हम गुलमर्ग जाते हैं कि नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, वो लक्ष्य हमारा। चल के जाएंगे, बाइक से जाएंगे, क्लाइंब करके जाएंगे, बट जाएंगे। तो कंफर्म हो गया कि हम लोग बाइक छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो गया है। इनफैक्ट अभी पूरा हफ्ता बारिश गिरेगी वहाँ पर, पूरा हफ्ता स्नोफॉल गिरेगा। टेक्निकली इसी के लिए तो आए थे, इसी के लिए लोग यहाँ पर दिसंबर जैन फेब में आते हैं। पंगा ये है कि टैक्सी अरेंज करना है, उसका ही बात चल रही है। टैक्सी तो हो जाएगी, टेंशन नहीं है, लेकिन गुलमर्ग तक कोई गाड़ी नहीं जा रही है। उसके तनमर कुछ तो बोला वहाँ तक जाएगी, वहाँ से 4x4 लेने आएगी हम लोगों को। तो हम लोग को बोला है कि ट्राई टू वेयर यू नो स्नो बूट्स एंड ऑल दैट। मैं तो राइडिंग गियर पहनूंगा अपना, गोर्टेक्स गियर है कंडी के लिए, और वाटर प्रूफ शूज है। दिस इज हाउ आई एम गोना कैरी एवरीथिंग। टुडे इज वुमेंस डे एंड आई डोंट वांट शानिस टू कैरी एनीथिंग। मैं पिकअप करती हूं। नहीं, इट्स ओके, यू जस्ट कैरी टैंक बैग एंड द कैमरा। सबसे महंगी और भारी चीज है मेरा कैमरा, तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शानिस को दी है। ये तो क्या है, हम गधा मजदूरी करते ही रहते हैं। चल। तो जो पैनियस हमने निकाले थे वापस बाइक पे डाल दिए हैं। एक छोटा सा पंगा हो गया बिकॉज ठंडी इतनी बढ़ गई अचानक कि बाइक जो है चालू नहीं हो रही। हैप्पी की बाइक चालू नहीं हो रही, शोभित ने ट्राई नहीं किया, मैंने बस ऊपर वाले का नाम लेके चालू किया, और जो मेरी बाइक है चालू हो गई। अभी ठंडी में थोड़ी देर बाइक चालू रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत हुई है, पता नहीं ठंडी बहुत है। मतलब अभी रहेगा 2-3 डिग्री टेम्परेचर गुलमर्ग में, तो कहानी में इमेजिन। मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा मन है बाइक लेके जाने, बस कोई बोल दे यू कैन टेक द बाइक। मैं बर्फ बर्फ में घिरा पड़ा के लेकर चले जाऊँगा, बिकॉज गाड़ी का बंदोबस्त हमने कर लिया है। शानिश जो है वो गाड़ी में बैठ जाएगी, तो अकेले तो मैं पहाड़ चढ़ा लूँ जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में चढ़ाया था। अभी बारिश है तो मुझे अपना कैमरा अंदर लेके जाना चाहिए। ये भर गया पानी, निकाल देते। वाटर प्रूफ पाउच है, एज यू कैन सी मेरा जो चश्मा है वो बच गया। चश्मा लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बर्फ में विदाउट सनग्लासेस जाना इज नॉट गुड आइडिया। ठीक है, सो आई लीव माय बाइक। यू लीव योर बाइक एंड आई यू कीप कीज विद यू, आई विल इन्फॉर्म द सिक्योरिटी मैनेजर दैट यू। सो अभी ओके, ऑल थ्री बाइक्स। सो बाइक्स तो भाई कैंसिल हो गया 100%, बिकॉज यहाँ पर अभी 2 डिग्री बता रहा है, और जिस पहाड़ों पर कल तक बर्फ नहीं थी, ये देखो पूरी जो है यहाँ पर बर्फ आ चुकी है। तो अभी अगर यहाँ बर्फ है तो आप समझ जाओ कि गुलमर्ग में कितनी बर्फ होगी। सामान लोड हो चुका है, और जो लोग सामान नहीं लेके जा रहे वो इधर ही छोड़ रहे हैं होटल में, जैसे कि राइडिंग बूट्स हो गया, गियर हो गया। इसीलिए मैंने ये वाले बूट्स लिए। ये वाले बूट्स नॉर्मली मैं कहीं पर भी पहन के जा सकता हूँ, और वो सोचो ना एक ही राइड में काम आ गए। वो रोड नैरो रहता है। हमारे सब्सक्राइबर है हातिम, हातिम क्या, हातिम मलिक ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो मौसम है ये ऑडी Q7 का मौसम है। मैंने बोला बात बराबर है, लेकिन जो एडवेंचर हम करते हुए आए वो ऑडी Q7 में 10 गुना बढ़ जाता, बिकॉज हम फंस जाते थे, लैंडस्लाइड हुआ आपको पता है, लेकिन एक दिन बाद पहुँचते। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर जरूर जा रहे। यहाँ पर तो पता नहीं, बट कोशिश जरूर करूंगा मैं। कोशिश। राइडिंग गियर में बैठ गए हम आराम से, थोड़ा हिलना डुलना मुश्किल है, बट ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, सफ़र 1.5 घंटे का ही है। तो शानिज आगे बैठी हुई है, बिकॉज आई कैन गिव माई कैमरा टू शानिज एंड शी हैज बैग ऑल्सो, चेक कर। क्योंकि क्या है कि हैप्पी भाई की गाड़ी चालू, बाइक चालू नहीं हुई, मेरी हो गई। अभी शुभ की देख चालू होती, मैं देख के आता हूँ अभी ज़्यादा। कम ऑन, देखते हो देना। अरे हो गई, हो गई। कौन बोलता था कि ये ओरिजिनल जर्मन बाइक है, हमारी थाईलैंड से आई है, हम दोनों की हो गई। ये देखो ओरिजिनल नहीं हो रही, जस्ट जोकिंग भाई। हैप्पी मैंने काफी टाइम बाद निकाली ना, इसीलिए अभी हम निकल पड़े गुलमर्ग के लिए 12:40 इन द आफ्टरनून। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। अब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर रहे कि बाइक से होते तो कितना मजा आ जाता यार। और ये जो बर्फ है जी, ये दिखना शुरू हो गई है। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है उसके छत पे बर्फ है, आगे बर्फ है,
और यहाँ तो देखो रोड पे हल्की हल्की बर्फ, रोड पे भी पूरा जो गंदी हो जाती है वो भी दिख रहा है। ब्लैक आइज अभी तक नहीं आई है, ब्लैक आइज क्या होती है रोड पे वो जो ट्रांसपेरेंट सिल्ली बन जाती है, तो मतलब यहाँ तक भी बाइक आ जाती। लेकिन ये देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ, तो ये टोल है काइंड ऑफ 10 रुपए देने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। तो हम लोग तनमार्ग में पहुंच गए हैं और बहुत ही सही डिसीजन लिया। ये देखो भाई, ये बर्फ दिख रही है आपको, यहाँ गाड़ी स्लिप हो रही है तो बाइक तो बिल्कुल नहीं चढ़ती, इतना स्लिपरी नहीं है बड़ा, बाइक नहीं चढ़ पाती। फाइनली बढ़िया, आपके ऊपर से जाएंगे, ये आपने गलती कर दी भाई। आपको वहाँ पर चेक पॉइंट है उसके आगे जो है ये गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये गाड़ी जाने की कोशिश भी की तो फिर वो फंस जाएंगे और ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इसलिए जिसके पास डिफरेंट टायर्स या फिर स्नो चेन लगी हुई है उसी को ही आगे भेज रहे हैं। और अभी हमें ऐसे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। मोटी पतली बर्फ गिर रही थी वो खत्म हो गई है, अभी मोटी मोटी बर्फ गिरना शुरू हो गई है, फुल मोटी मोटी। ये देखो ये हमारी टैक्सी ऐसे आगे बढ़ रही है, अरे भाई बंद तो कर दो उसको, सामान गिर जाएगा, एक बार भैया बंद करते इसको, बंद करो। तो अभी हमने क्या किया है, ये 200 रुपए के ग्लव्स ले लिए, अभी मुझे पता है ये कम में भी आ सकते थे लेकिन अभी ऐसा टाइम है ना कि हम टाइम नहीं था बिल्कुल भी। चाय कॉफी मिलेगी उधर, खाना भी बहुत बढ़िया है। हाँ तो खा के जाए कुछ करें, तो ऊपर ही खाएंगे ना अभी टैक्सी। नो निकल ले दो, तो मैं वॉशरूम करके आ जाऊँ। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया, एक जरा कॉफी या चाय मार लेते हैं। सामने यहाँ पर पाइन व्यू रेस्टोरेंट है, हमने अपनी टोपी भी ले ली क्योंकि अगर बाल गीले हो गए सर पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसको पोंचो चाहिए, इसको शैनिस को पोंचो ढूंढ रहे, पोंचो नहीं मिल रहा है। कोट मिलता है, कोट रेंट पे मिलता है बट वो मतलब नहीं लेके ऊपर क्योंकि अपने पास जैकेट तो है। ऐसे टाइम पे मुझे घोटे कहेगा 1 रुपया वसूल हो रहा है। हाँ वाटर प्रूफ है, ऐसा चल जाएगा शॉर्ट वाला। थैंक यू। चल और ये हमारी गाड़ी शिफ्ट हो गई। चलो हेलो, एक और है, एक और आ जा सर जल्दी आ, तेरा ये दे पकड़ दो, आ जा। बर्फ बहुत तेज बढ़ने लगी है, यू कैन सी, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अ ड्रीम, आई हैव नेवर बीन टू दिस काइंड ऑफ स्नो। दैट इज गोइंग गोइंग नो नो आई कैन, हां जगह बहुत है बहुत। और ये वाइब आ रहा है अलग वाला, गाड़ी में आ गए हम लोग, वो देखिए प्रॉब्लम है, बर्फ जो मेरे कैमरे में लगी हुई है, अभी अंदर हीटर चालू है, मॉइस्चर बन के कैमरे के अंदर ना घुस जाएगा ना, बहुत बड़ा फटका लगेगा सर। ये ताजी गाड़ी है ना, हां इसपे मोटरसाइकिल नहीं चढ़ती ना, नहीं चढ़ती हमारी तो बिल्कुल नहीं चढ़ती, गिर जाते हम लोग। ब्लैक आइस हो गई है ना भाई, अभी जो इस हिसाब से 2-3 दिन बर्फ गिरेगी तो ब्लैक आइस सॉलिड जमती और बाइक नहीं उतरती नीचे। तो अभी यहाँ से ना आप मोटे मोटे जैकेट जो है हायर कर सकते हो, मेरा तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं यही पहन के बाहर घूमूंगा, लेकिन शायद इसको चाहिए था। तो प्रॉब्लम क्या है, जो जैकेट है लोग वॉश नहीं करते, तो थोड़ा हाइजीन तो आपको चुनना है कि आपको कंफर्टेबल रहना है ठंडी में कि आपको हाइजीन अवॉइड करना है। तो हाँ भी आपने लिया, आपने नहीं भाई, मैं तो नहीं, शोभित ले रहा है, मैंने बोला पोंचो लेके आते क्योंकि अभी क्या एटलीस्ट पानी अंदर चलेगा ना एक बार। हाँ मेरे पास एक पोंचो है ना, ठीक है आप उनको दे दो, जो बड़ा झबला जैसा आता है ना, हाँ वही 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 देना है, क्या एटलीस्ट बर्फ स्लाइड हो जाएगी ना, क्योंकि कपड़े में जाकर ना एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर ठंडा हो जाएगा, और एक बार गीला हो गया ना अंदर फिर खत्म है भाई। और ये सब जो कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सब गीले रहते हैं। तो मैं 100% श्योर हूँ कि जो मेरा डिसीजन लिया लास्ट मोमेंट पे वो एकदम सही था, क्योंकि यहाँ आके मैं बहुत रिग्रेट करता क्योंकि बाइक यहाँ पर कहीं छोड़ नहीं पाता मैं, तो मुझे पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करनी पड़ती और फिर पता नहीं ना सेफ है नहीं है। देखो भाई कितनी तेजी से जो है बर्फ गिर रही है, आपको ये कांच खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और ये हम निकल पड़े हमारे होटल की तरफ, और शानिस ने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक ऐसा होटल यहाँ पर बुक किया है जिसकी बुकिंग आपको 3-3, 4-4 महीने पहले करनी पड़ती है। क्या नाम होटल का? खाइबर होटल एंड रिसोर्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट होटल इन कश्मीर, और शुड आई से द बेस्ट होटल इन कश्मीर, द बेस्ट होटल इन कश्मीर। तो सारे लोग अपनी बड़ी गाड़ी दिखा के स्नो चेन नहीं डालते, आ जाते हैं और फिर देखो यहाँ ऐसा गाड़ी फंस जाती है, यहाँ पर गाड़ी फंस गई है, इनफैक्ट स्कॉर्पियो नहीं चल रही है, आगे और एक स्कॉर्पियो फंसी हुई है पूरी फैमिली के साथ। तो अगर आप यहाँ पर खुद अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो भाई साहब स्नो चेन लगा के आओ वरना ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज वो छोटी गाड़ी लेके आ गए तो भाई साहब, and this is the last and the worst thing you want with your family to get stuck. Yeah, they don't have any chain, cars not going in the front. Ah, नहीं जाएगी, फंस गई, इसके तो नीचे अलाउ नहीं करते। हाँ बहुत, ये भी फंस गया और वो भी फंस गया, ये हैवी स्नोफॉल हो रही है, इधर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और ये क्रेटा पार्क है, चाहे क्रेटा जिंदाबाद, सबको लगता है अपने शहर में जो चलती है SUV वो यहाँ पर भी चलेगी, ऐसा नहीं होता भाई। आप यूट्यूब पे डालेंगे ना? हाँ यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ नहीं है और प्रॉपर बर्फ गिर रही, थोड़ा आगे जाम लग गया है। अरे अब अरे हाथ देखो, ये देखो इसी के लिए तो आए थे भाई साहब।
मैं तो अंदर बंद कर बंद कर बंद कर ओहो हो वो सॉरी अरे भाई ये ओ भाई अंदर नहीं बस भाई इसमें बस्ती नहीं इस वेरी नाइस ये देख अंदर चली गई पीछे से आ गया टिकट स्नो हाँ ये अंदर आई हम लोग फुल स्नो फाइट कर रहे थे और मजा आ गई अभी मैं तो गीला का टेंशन नहीं है मजा आ गई बड़ा वार्म अप हो गया ये गाड़ी देखो इधर ये फंस गई है और ये भी फंस गई बहुत बुरी हालत है इधर और बर्फ है वो कितनी देखो ये तो बर्फ सॉलिड गिर रही है बस अरे मेरा कैमरे का भाई ये देखो अभी अभी ऊपर जाना है गाड़ी मुड़ नहीं रही है ब्लैक आइस की वजह से गाड़ी सीधी जा रही है अभी पूरी मोड़ी है अभी अपन ऊपर चढ़ रहे हैं अच्छे से अभी भाई साहब ये होता है अरे मुझे अंदर जाना चाहिए कुछ हो गया लेकिन एसएलबर्ड राइड हाँ ऊपर कर देते हैं भाई साहब ये देखिए झाड़ी हमारी गाड़ी पीछे चली गई है और यहाँ पर एक गाड़ी फंसी हुई है हमारी गाड़ी पीछे इसलिए गई बिकॉज मोमेंटम बनाना था और ये देखो ये बेचारे इस तरह सामान लेके आए थे और ये निकल रही गाड़ी निकल रही और ये गाड़ी निकल गई ऐसी कैसी वेरी गुड और ये सब ऊपर सामान लेके जाते हैं और स्नो मोबाइल है अरे स्नो मोबाइल लेके एंड हैट्स ऑफ टू देम ये गेस्ट का लगेज ऊपर ऐसे लेके जा रहे हैं क्योंकि जो लोग नीचे फंस जाते हैं चल के जाते हैं ऐसा लगेज ऊपर जाता है आई होप हमारी नौबत ऐसा ना आए अभी बस खैबर पीछे ही है ये पीछे हम पहुंच गए हैं बस इतने से के लिए बिकॉज ये गाड़ी फंस गई थी तो हमारी गाड़ी पीछे गई है एंड पीछे भी कुछ गाड़ियां हैं मतलब 50 मीटर पहले फंस गए हाँ हट जाते हम कोटने बोल रहे हैं अभी सीन ये है कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही है तो हमको अपना सामान लेके चढ़ना पड़ेगा और वी हैव टू वेट फॉर द स्टाफ टू कम एंड गेट अवर बैग्स उसको टाइम लगेगा तो ये विंड शीटर से मैं अपना कैमरा कवर कर लूँगा उसको शाइनिस पकड़ेंगे बाकी सब बैग हमने डिवाइड कर लिया पकड़ने के लिए चलो तो हमको खाइबर होटल की गाड़ी मिल गई स्नो मोबाइल तो सामान रख दिया और हैप्पी भाई चढ़ गए ये जाके फिर से आएंगे थैंक यू सो वेरी मच और अभी वो चल गया वेट कर कितना टाइम लगेगा आपको 5 मिनट चलेगी बाय बाय कम बैक सून बर्फ जो है एकदम तेजी से बढ़ चुकी है और बढ़ गई बर्फ मतलब जितनी थी और बढ़ गई है देखो वो आँख में लगी मेरी क्या मजा आ रही है क्या परफेक्ट टाइम है अपना यार आने का परफेक्ट टाइम आने का यार ये होगा -4 -5 खुद इसके ऊपर आ गए अरे भाई जगह तो पकड़ने के लिए चलो भाई शानिस क्या मेरी पैंट खींच रही है चलो भाई शानिस तू सेफ बैठी रहे बस यू बी सेफ ओके ये होती है बात भाई होती है राइडिंग अरे एक नंबर है भाई गोप्रो मेरा चालू है ब्लॉक कर रहा हूँ खाइबर का है ये स्नो मोबाइल ये हमको ऊपर लेके जा रहा है अभी अरे कसम ब्रेक मार दिया इसने भाई लेकिन क्या मजा है कोई गाड़ी फिसल के आ रही है हमको लेकिन टेंशन नहीं है हम तो एकदम स्नो मोबाइल में है ये देखो पूरी बर्फ जमती रहती है इसको हटा देता हूँ मैं ओहो अभी हल्का हल्का फ्रॉस्ट बाइट होना शुरू हो गया भाई आई एम इम्प्रेस्ड विद द गोटेक्स गियर ओहो हो क्या बात है भाई एक नंबर चीज़ है भाई ये तो भाई एक नंबर चीज़ हो गई मज़ा आ रहा है बॉस है ना मैंने तो राइडिंग गियर पहना है गिर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा ये तो मेरे को बर्फ लग रही है मैं तो हेलमेट पहना तो मैंने ढक्कन बंद किया हुआ हूँ बाप रे ये जो लाल गाड़ी है ये टवेरा ये फंस गया इसका पूरा ब्रेक पाइप फंस गया है अरे तो गाड़ी स्लिप हो रही है हाँ निकाल प्रो है निकाल लेंगे इधर भाई क्यों स्लिप हो रहा है ना ये देखो अगर ये गाड़ी का कुछ नहीं होता ना तो हम सब निकल जाते आराम से और देखो ये होटल था हमारा यहाँ आके रुके थे हम लोग हाँ लेकिन एक्सपीरियंस मिल गया हम लोग को यार ये चीज़ भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा मेरे को लगता है बट ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए हो रहा है खाइबर आगे ले भाई साहब मजा आ रही है ये होता है एडवेंचर जो आज हम ले रहे हैं BMW GS से कितना मजा आता बहुत मजा आती बर्फ में जम जाती होती है बोलते हैं भैया यहाँ पे फंस क्यों है हम अपनी बाइक ढूंढने आए कहीं बर्फ में फंस गई है दफन हो गई है दफन हाँ
वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट एन एक्सपीरियंस जानेस, एक नंबर एक्सपीरियंस। उतर जो भी उतर जा भाई, कोविड देखो कोविड यहाँ जमा हुआ है। हम आ गए, ये रहा हमारा होटल फाइबर। ओह अरे पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है। हाँ इसमें स्लिप हो रहा है, इसमें स्नो पे चलो, स्नो पे, स्नो पे बेटर। इसमें ब्लैक पे स्लिप हो जाएगी, और इसमें तो और स्लीपर ही है। नहीं नहीं सही है सही है, चढ़ रहा हम लोग चढ़ रहे। वाह जिंदगी में कोई होटल पहुँचने के लिए इतनी मशक्कत नहीं की जितनी हमने की, और फुल वसूल। हाँ शानस अभी होटल के बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही पड़े रहेंगे हम लोग, क्योंकि होटल ही ऐसा है। हेलो हेलो, ओके सो वी आर इनसाइड। शानस सब लोग वॉशरूम गए बिकॉज ऑब्वियसली ठंडी में इतना तकलीफ उठा के ऊपर आए। ये आराम से 10 किलोस बैग। अब सोचो BMW के राइट पैडल में से अकेला रहता है और तेज चलाता हूँ। जिम में ऐसे थोड़ी ना करता है तू। डेफिनेटली एन ऑटर। श्रीनगर में उसने 60 डिग्री में एंटर किया, कहवा पी के मजा आया। आज -7 में एंटर किया और ज़्यादा मजा आया। चीयर्स। आजा भाई शो में। चीयर्स। चीयर्स भाई। चीयर्स टू द कावाज। चीयर्स टू द नो चीयर्स टू अ ग्रेट लाइफ एंड थैंक्स टू गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस लाइफ दैट वी आर सेफ इन इनसाइड अ होटल एंड प्रॉस्परस। बहुत ज़्यादा हो गया, भगवान बोल रहे हैं मक्खन मत लगा, तो घी नहीं मिला अभी तक। ओहो हो हो भाई साहब, रूम तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको मैं व्यू बताता हूँ, व्यू देखना कैसा लगेगा। और ओ स्वर्ग आ गए, स्वर्ग क्या बात है। थैंक यू सो मच शानस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज। अभी जो होटल को बुक करने के लिए इतना टाइम लगता है, ऑब्वियसली उसमें रूम अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन बिकॉज आज इतनी हैवी स्नोफॉल हो गई, श्रीनगर में बारिश हो रही, तो काफी कैंसिलेशन हुए हैं। बट फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर 2 to 3 hours, राइट? और 2-3 घंटे में हमको मालूम पड़ जाएगा कि कैंसिलेशन है कि नहीं, तभी लोगों को रूम मिलेगा। एंड अगर फुल हो गया तो फिर थोड़ी दुविधा आ जाएगी, बट बाजू में एक होटल है वहां ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सारे होटल्स भी फुल है। नहीं फुल उसने बोला ना, मिल जाएंगे। कुछ भी प्लान या एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसा हमारा दिन गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज थक गया हूँ मैं। ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, टीवी में देखा होगा, और फुल ऑन जो हमने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको एक्सपीरियंस देने में कामयाब हुआ हूँगा। सो विद दैट सेड, एज ऑलवेज शुक्रिया अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू आर माय लवली फ्रेंड्स। सब लोग थक के चूर हो गए, आराम कर रहे हैं, तो मैं फटाक से वीडियो एंड करके मैं भी आराम ही करता हूँ। मिलते हैं कल। आडियोस अमिगोस।